स्पाइडरमैन को अभी तक आप लोगों ने टीवी स्क्रीन और फिल्मों में देखा होगा कि वो किस तरह से दीवार पर चढ़ जाता है, मगर आज हम आपको रियल लाइफ में एक 7 साल के स्पाइडर बॉय से मिलाने जा रहे हैं, जो स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़ जाता है। इस बच्चे के कारनामों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले यशार्थ सिंह की है, जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल है, जो क्लास 3 में पढ़ते हैं। यशार्थ छिपकली की तरह हाथ और पैर के पंजों को दीवारों पर चिपका लेता है और बड़ी ही आसानी से दीवार पर चढ़ता चला जाता है। यशार्थ बचपन से ही स्पाइडरमैन का शो देखता था, जिससे प्रभावित होकर उसको भी स्पाइडरमैन जैसे दीवारों पर चढ़ने का शौक हो गया। यशार्थ अपने इसी सपने को साकार करने के लिए दीवारों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगा। और अब आप खुद देखिए यशार्थ किस तरह बिना किसी सहारे और बिना किसी सपोर्ट के दीवारों पर स्पाइडरमैन की तरह बड़ी तेजी से चढ़ जाता है। यही नहीं, यशार्थ दीवार पर ऊपर चढ़ने के बाद अपने हाथ के सहारे दीवार पर चिपका रहता है और कभी अपने पैरों के सहारे दीवार पर चिपका रहता है। मेरा नाम यशार्थ सिंह और थर्ड। मैंने एक बार स्पाइडरमैन मूवी देखी थी, तो मैंने सोचा काश मैं भी ऐसे चढ़ना चढ़वा देती। तो सबसे पहले मुझे ये दीवार देखी, मुझे लगा एक बार ट्राई करता हूँ। फिर मैं पहले बार ट्राई करा तो मैं गिर गया। या फिर मैं हर दिन ट्राई करता रहा, तो एक दिन मैं चढ़ गया। फिर मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया, तो उसने सबको बुलाया लाया, तब सबने देख लिया। फिर सबने पहले मना किया कि ना चढ़ो ना चढ़ो। फिर जब मेरी आदत हो गई तो चढ़ने लगा, तो सब लोगों को भी लगने लगा आप नहीं गिरेगा आप नहीं गिरेगा। तब से मैं चढ़ती हूँ। आप तो क्या आपको डर नहीं लगता है, गिरने में डर नहीं लगता है? नहीं, क्योंकि मैं ऐसा सामने देखता हूँ और लगता है कि अगर मैं गिर भी गया तो कूद जाऊँगा। पहली बात मैं नीचे ही नहीं देखता। मेरा मन तो अभी सिर्फ पढ़ाई करूँगा, लेकिन जब अगर बड़ा होऊंगा तो IPS ही बनूंगा, क्योंकि मुझे IPS सबसे अच्छी स्टेज लगी है। यशार्थ की माँ ने बताया कि यशार्थ स्पाइडरमैन मूवी से प्रभावित था और मूवी देखने के बाद उसने दीवारों पर चढ़ने का अभ्यास शुरू किया था। उसे पहली बार ऐसा करते देख घर के सभी लोग हैरान रह गए थे। मेरी लड़की का नाम यशार्थ सिंह गौर है और एक दिन ऐसे ही खेल खेल में ये चढ़ रहा था, तो इसने मुझे आवाज़ दी चढ़ के। इसके बड़े भाई ने देखा और फिर इसने आवाज़ दी हमको और इसके पापा को, तो हम लोग आए, हम लोगों ने देखा। तब से ही लगातार चढ़ता रहा और ऐसे अब तो इसकी आदत में आ गया है, फट से चढ़ जाता है तुरंत ही ऊपर। आपको बताते चलें कि स्पाइडर बॉय यशार्थ का सपना बड़ा होकर IPS अधिकारी बनने का है, ताकि वो देश की सेवा कर सके। कानपुर से आयुष तिवारी की रिपोर्ट।